कंपनी की जो डिलीवरी है मैंने बता दी थी आपको, शायद से 10 से 11 के, 10 11 में मेरा कंफर्म तो नहीं है, बट 10 11 में हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली कम से कम 70% चांसेस हैं कि हो जाएगी। तो मेक श्योर गाइस 10K सब्सक्राइबर या जल्दी से जल्दी हिट करा दो, लेट्स गो बाय। अबे भाई यार मैं मोड़ रहा था, अचानक से वो कर दिया। दूसरे गियर में थी यार वो, अचानक से हो गया। अबे वही ना, दूसरे गियर में थी, अचानक से क्लच छूट गया। तो अबे हो गया ना, अब गिर गई तो क्या हो गया, अबे कौन सा गियर लग गई, अबे तो क्या भाई ये, तो कौन सा क्या हो गया उसमें यार, अच्छा लगता ना भाई यार जब भाई सीरियस मत लिया थी, मैंने मजाक में बोल दिया यार। अरे चल कोई नहीं यार, अरे हो जाता है यार, मुझे पता है ना। हाँ चल वही, अब मेरा क्रैश हुआ था ना, मुझे भी यही हुआ था भाई। अब मेरे जब क्रैश हुआ भाई, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मेरे को जो गुस्सा आ रहा था भाई। तो यू ऑल्सो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो गाइस अभी मेरे सामने नीरज की बाइक एंड नीरज मेरे घर आ चुका था, और कैसा है, बढ़िया। तो अभी यहाँ से हम निकलने वाले थोड़ा बहुत राइड करने के लिए, बिकॉज मोटर व्लॉग बहुत कम ही हो रहा है, एंड 2-3 दिन से भी व्लॉग मेरा डाला नहीं था, मतलब मोटर व्लॉग मैंने डाला था, एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक वीडियो डाल दी थी। अभी जल्दी जल्दी निकलते, बाकी बातें अब से करते हैं मोटर व्लॉग पे। सो गाइस फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत निकलते हैं आगे के लिए, एंड हमें रील वगैरह भी शूट करनी थी, तो वो आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएंगी। मेक श्योर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेक श्योर टू फॉलो, एंड 5K जल्दी से जल्दी कराओ वहाँ पर, एंड तगड़ी से तगड़ी रील देखने को मिलेंगी। एंड बनी की जो डिलीवरी है मैंने बता दी थी आपको, शायद से 10 से 11 के, 10 11 में मेरा कंफर्म तो नहीं है, बट 10 11 में हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली कम से कम 70% चांसेस हैं कि हो जाएगी, बिकॉज मैम मेरे को कह रही थी पक्का तो नहीं है कि उसी दिन होगी, बट उस टाइम पर हो सकती है। तो मेक श्योर गाइस 10K सब्सक्राइबर या जल्दी से जल्दी हिट करा दो। यार बीच में पत्थर आ गया था, लेट्स गो भाई। गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे थोड़ा आगे की तरफ, वहाँ पर थोड़ा छाया वगैरह भी है ना, एंड अभी हम सुबह सुबह ही शूट कर रहे हैं, हमने सोचा सुबह सुबह शूट हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते थोड़ा आगे की तरफ, बिकॉज वहाँ पर मतलब थोड़ा छाया वगैरह भी है, एंड वहाँ पर बिजली वगैरह भी ट्राई करेंगे, तो इस रोड में ज़्यादा कोई आता नहीं है ना मॉर्निंग के टाइम पर, तो यहाँ पर हम ट्राई भी कर सकते हैं, एंड ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो लेट्स गो, थोड़े जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से भाई। सुबह का मौसम तब भी ठीक हो रहा है, ये जो धूप है ना ये सहने लायक है कि हाँ हम सहन कर सकते हैं, बट जो दोपहर की हो जाती है ना वो भाई लिटरली सहन नहीं होती। क्या व्हीली ट्राई करनी है तेरे को? चल यहाँ पर कर लियो आगे, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मैं तेरे शूट भी कर दूंगा, रुक जा मैं यहाँ पर रुकता हूँ, जैसे यहाँ पर रपटेगी तो नहीं। यहाँ पर रोक लेते हैं, चल देखना आराम से करियो। कहाँ पर? हाँ ये इधर पे तो हो रहा होगा, इधर इधर पे ट्राई करियो। ले पकड़ कर, ठीक है मैं आईफोन शूट करता हूँ। अबे रुक, बस ठीक थी बस। सो यार गाइस अभी चलते हैं, क्यों गए तेरी स्टार्ट के, अच्छा किल स्विच, लेट्स गो बाय। भाई क्या भाई? अबे भाई यार मैं मोड़ रहा था, अचानक से वो कर दिया। भाई तो पागल तो नहीं है क्या है भाई तेरे अंदर? अबे मैं मोड़ रहा था यार अपने आप, अचानक से क्लच छूटा वो हो गई, फिर अब मैं क्या करूं? अबे ऐसे कुछ ना होता यार, मैं कहा था तेरी मोड़ ही जा रही, मैंने मोड़ नहीं गिर दिया। अबे अचानक से यार मैंने मोड़ा, क्लच छूट गया, वो दूसरे गियर में थी यार, वो अचानक से हो गया। अबे वही ना, दूसरे गियर में थी, अचानक से क्लच छूट गया, तो मोड़ना बता यार। अबे हो गया ना, अब गिर गई तो क्या हो गया, अबे कौन सा गियर लग गई,
अबे तो क्या भाई ये तो कौन सा क्या हो गया उसमें अबे कौन सा टूटी गई अबे आराम से तो गिरी है तो नहीं गया ऐसे ही गिर गई पूरी अबे पता है यार मैं समझ सकता यार मेरी बाइक भी उधर पे है मुझे पता है बट एक बात कह रहा हूँ यार जब अचानक से यार दूसरे गियर में थी अचानक से यार क्लच छूटे तो अरे मैंने गियर में ध्यान ही नहीं दिया ना बात हुआ है चल यार सोया सभी निकल रहे चलो निकलते हैं भाई क्यों मैं चलाता हूँ यार तू चला नहीं पा रहा यार अबे क्यों नहीं चला पा रहा भाई अबे भाई तू क्रैश वाली बात क्यों ला रहा है फिर बीच में बता रहा हूँ ना भाई तू चला कैसे रहा है मतलब यार तू अबे तू क्रैश वाली बात क्यों ला रहा है फिर बीच में अब उस दिन वो मेरी गलती थी पता अब उस दिन वो बंदे ने पीछे से ठोका मेरे को अभी यहाँ पर आराम से दूसरे गियर में थी वो तब जाके वो गिर गई अबे रहन दे यार अबे भाई तेरे क्या हो गया भाई उस समय से उतने समय से मैं बाइक नहीं चलाई मैं सालों साल से बाइक चला रहा हूँ पागल दिख रहा हूँ तुझे अबे क्यों तो भाई मैं नहीं करूंगा क्या मैंने कितना ही शूट कर लिया तू घर से तो शूट करता हुआ ही आ रहा था अबे नहीं चल मैं ही चला रहा हूँ चल बैठ जा हाँ हाँ चल बैठ ठीक अबे भाई यार मेरे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा दूसरे गियर में थी अबे भाई मैंने नहीं देखा हो गया ना फिर भाई दिमाग खराब कर रहा है छोड़ यार क्या बोलूँ मैं खुद दिमाग खराब कर रहा है खाली बेकार में तू छोड़ यार क्या बोलूँ इसको अरे यार उस समय मेरे अंदाजे में नहीं था मैंने देखा नहीं कौन सी गियर में है तो बस गिर गई यार मैं भी क्या कह सकता हूँ चलो कोई बात नहीं यार हो गया जो हो गया मतलब बाइक में तो कुछ हुआ नहीं ज़्यादा कुछ स्क्रैच मतलब थोड़ी माइनर से स्क्रैच वगैरह आए होंगे तो चलो कोई बात नहीं यार अच्छा खासा जा रहे थे थोड़ा आगे को हम राइड वगैरह करने तो हो गया चलो सीन वगैरह चलो कोई बात नहीं अभी निकलते घर के लिए यार जल्दी से जल्दी अपनी बाइक आ जाए यार फिर वही हो जाएगा ना मतलब अब सबकी बाइक में शूट तो कर ही ले रहा हूँ बट अपनी बाइक में जो शूट करने का फील है ना वो है ही यार भाई अपना ही फील है तो अभी जल्दी जल्दी निकलते घर के लिए गाइस फिलहाल अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने घर एंड लिटरली यार धूप ना धीरे धीरे इतनी बढ़ते जा रही है ना अभी 10 बजे तक ना मतलब सहन करने लायक धूप नहीं होगी यार यहाँ एंड जल्दी से जल्दी यार अपनी बाइक भी आ जाए तो बढ़िया है लेट्स गो भाई जल्दी जल्दी निकलते हैं घर के लिए फिलहाल अभी हम घर पहुंचने वाले हैं जल्दी चलो सो या गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं लेट्स गो चल फिर चल पहले पानी पिला चल जा रहा अरे चल कोई नहीं यार अरे हो जाता है यार मुझे पता है ना हाँ चल वही अब मेरा क्रैश हुआ था ना मुझे भी यही हुआ था भाई अब मेरे जब क्रैश हुआ भाई मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था मेरे को जो गुस्सा आ रहा था भाई हाँ चल कोई नहीं चल ठीक है फिर हाँ चल आराम से जा फिर कोई नहीं ठीक हो गया चल ठीक मिलते ठीक हो गया ठीक चल जा फिर हाँ तो ये गाइस फिलहाल अभी मैं घर पहुँच चुका था एंड जितना भी हमने शूट वगैरह करना था शूट वगैरह भी हो चुका था एंड मतलब अचानक से यार बाइक क्रैश हो गई थी मैंने मतलब देखा नहीं कि भाई सेकंड गियर में थी तो अपने आप थोड़ी सी गिर गई थी ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं बाइक में तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जय श्री राम बाय गाइस।